नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेन चौधरी। स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने चैनल जेके एडुटेक में। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ट्रिपल सी के सिलेबस के बारे में। जी हां, ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का मतलब होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ट्रिपल सी जो है कंप्यूटर का बेसिक कोर्स है। एक ट्रिपल सी जो है सात टर्म का कोर्स है जो नील्ड एंड यूएसई सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और जानते हैं कि ट्रिपल सी के सिलेबस में कितने यूनिट हैं, कितने इनका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है कितने घंटे का है, और किस यूनिट से क्या क्या प्रश्न आते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल जेके एडुटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ट्रिपल सी का जो फर्स्ट चैप्टर यानी कि पहला यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये जो है 2 घंटे की थ्योरी है, 1 घंटे का ट्यूटोरियल्स और है और 4 घंटे का प्रैक्टिकल है। यानी कि टोटल जो है 7 घंटे का फर्स्ट यूनिट का कोर्स है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जो दूसरा यूनिट है यानी कि दूसरा चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है 3 घंटे की थ्योरी है और 8 घंटे का प्रैक्टिकल है। जो तीसरा यूनिट है यानी कि जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ये जो है 3.5 आवर का इसका थ्योरी है, 2 घंटे का ट्यूटोरियल है और 9 घंटे का प्रैक्टिकल है। जो चौथा चैप्टर है ट्रिपल सी का वो है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब यानी कि एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जो है ये चौथा चैप्टर है ट्रिपल सी का। ये भी 3.5 आवर का इसका थ्योरी है, 2 घंटे का ट्यूटोरियल है और जो है 10 घंटे का जो है प्रैक्टिकल है। ट्रिपल सी के सिलेबस में जो स्प्रेडशीट यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में है इसका प्रैक्टिकल आवर जो है, इसका प्रैक्टिकल का जो टाइम है वो सबसे अधिक है। जो पांचवा यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट WWW एंड वेब ब्राउजर यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो पांचवा चैप्टर है ट्रिपल सी का इसमें पूरा का पूरा इंटरनेट से रिलेटेड है। ये जो है 6 घंटे का थ्योरी है और 8 घंटे का प्रैक्टिकल। जो छठा चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन। ये जो है 2 घंटे की थ्योरी है और 2 घंटे का प्रैक्टिकल। सातवा जो चैप्टर है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन यानी कि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड चैप्टर है। इसका जो थ्योरी आवर है वो है 4 घंटे का और जो प्रैक्टिकल है उसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो है 8 घंटे का। आठवां जो चैप्टर है ट्रिपल सी का उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेस। ये जो है 1 घंटे की थ्योरी है और 1 घंटे का प्रैक्टिकल। दोस्तों, जो ट्रिपल सी का जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है वो है 25 घंटा जो है थ्योरी में है, 5 घंटा ट्यूटोरियल पॉइंट्स और 50 घंटे का प्रैक्टिकल है। यानी कि टोटल जो है इसका टाइम ड्यूरेशन जो है 80 घंटे का यानी कि 18 आवर का एक कोर्स है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं कि इसके इस चैप्टर के अंदर कितने कौन कौन से टर्म्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की उत्पत्ति कब हुई, व्हाट इज कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में है, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के बेसिक अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, अनुप्रयोग क्या होते हैं यानी कि कंप्यूटर के जो बेसिक यूज जो है कहाँ कहाँ किस जगह पे होते हैं। इस फर्स्ट यूनिट में इसके अंदर है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से भाग होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, कीबोर्ड माउस एंड वीडियो क्या होते हैं, अदर इनपुट डिवाइसेस, अदर आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन ऑफ IECT, ई गवर्नेंस क्या होते हैं, मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, और इसका कुछ मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर हैं। जो सेकेंड चैप्टर है उसके अंतर्गत क्या क्या है देखते हैं। इसके अंतर्गत जो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेकेंड चैप्टर है CCC का, वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, द यूजर इंटरफेस क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, स्टार्ट मेनू क्या होते हैं, रनिंग एन एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिंपल सेटिंग क्या क्या होती है, यानी कि जो हमारा जो विंडोज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज टू ऐड और रिमूव अ विंडोज कंपोनेंट, यानी कि विंडोज के कंपोनेंट से किसी सॉफ्टवेयर को ऐड कैसे करेंगे और रिमूव कैसे करेंगे, चेंजिंग माउस प्रॉपर्टीज, माउस प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करेंगे, एडिंग एंड रिमूविंग प्रिंटर, अपने सिस्टम से प्रिंटर को ऐड और रिमूव कैसे करेंगे, फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट क्या होता है, कितनी टाइप की फाइलें होती हैं, जो तीसरा चैप्टर है इसमें है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है। बहुत ही इजी है दोस्तों, जो CCC ना बिल्कुल इजी है, ये कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, आसानी से क्लियर हो जाएगा एग्जाम आपका। CCC का जो एग्जाम जो है दोस्तों हर महीने होता है। इसमें जो है थर्ड चैप्टर में इसमें है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, ये वर्ड प्रोसेसिंग का इंट्रोडक्शन है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज को ओपन कैसे करते हैं, मेनू बार क्या होते हैं, हेल्प मेनू क्या होती है, यूजिंग दी आइकन्स बिलो मेनू बार, जो मेनू बार के नीचे जो आइकन्स होते हैं उनका क्या नाम होता है, उनका क्या यूज होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन और क्लोज करते हैं, सेव एंड सेव एज क्या होता है, पेज सेटिंग कैसे करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएशन, एडिटिंग टेक्स्ट यानी टेक्स्ट को एडिट कैसे करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करेंगे, टेक्स्ट सिलेक्शन, कट कॉपी एंड पेस्ट, फॉन्ट एंड साइज सिलेक्शन, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उसकी सेटिंग कैसे करेंगे, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करेंगे, जैसे कि किसी टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर कैसे जो है चेंज करेंगे, पैराग्राफ इंडेंटिंग क्या होती है, बुलेट एंड नंबरिंग, चेंजिंग केस, इसके बाद जो है दोस्तों टेबल को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे, ड्रा टेबल, टेबल कैसे बनाएंगे, चेंजिंग सेल विड्थ एंड हाइट, सेल जो टेबल के अंदर जो सेल होते हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई को कैसे, यानी कि विड्थ एंड हाइट को कैसे कंपोज करेंगे, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल, सेल के अंदर जो टेक्स्ट होते हैं उनकी लाइनिंग कैसे सेट करेंगे, डिलीट इंसर्शन ऑफ रो एंड कॉलम, टेबल के अंदर रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट एंड डिलीट करेंगे, बॉर्डर एंड सेंडिंग। जो चौथा यूनिट है इसमें है स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट यानी कि स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल, स्प्रेडशीट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक शीट, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक शीट क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ओपनिंग ऑफ स्प्रेडशीट, एड्रेसिंग ऑफ सेल, प्रिंटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, सेविंग वर्कबुक्स, वर्कबुक्स को कैसे सेव करेंगे, मैनिपुलेशन ऑफ सेल, इंटरिंग टेक्स्ट नंबर एंड डेट, सीट के अंदर टेक्स्ट नंबर और डेट को कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे, नंबर एंड डेट सीरीज, एडिटिंग वर्कशीट डेटा, वर्कशीट में जो डेटा होता है उसको एडिट कैसे करेंगे, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रो एंड कॉलम,
चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ, फंक्शन एंड चार्ट जो है, फंक्शन और चार्ट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्प्रेडशीट में, ट्रिपल सी के चौथे चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फंक्शन एंड चार्ट। इसके अलावा इसमें फार्मूला, कौन से फार्मूले यूज होते हैं, फंक्शन कौन कौन से यूज होते हैं, चार्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारे जो है ट्रिपल सी के चौथे चैप्टर में है। जो पांचवा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट लाइक WWW एंड वेब ब्राउजर, यानी कि इंटरनेट क्या होता है और वेब ब्राउजर क्या होते हैं इसके बारे में है, ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या होते हैं, बेसिक आप कंप्यूटर नेटवर्क जो कंप्यूटर नेटवर्क का होता है उसकी बेसिक्स क्या होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट है कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट, बेसिस ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर, इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर होता है जो मॉडल होता है वो कैसा होता है, सर्विसेज ऑन इंटरनेट, इंटरनेट की क्या क्या सर्विसेज होती हैं, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेबसाइट क्या होती है, कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे एक दूसरे से सिस्टम जो है कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इंटरनेट की सर्विसेज क्या होती हैं, प्रिपेयरिंग कंप्यूटर फॉर इंटरनेट एक्सेस, अपने सिस्टम को कैसे प्रिपेयर करेंगे इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए, ISPS क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस टेक्निक्स क्या होती हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, पॉपुलर वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, कॉन्फिगरिंग वेब ब्राउजर, अपने वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर को कैसे जो है कॉन्फिगर करेंगे यूजर के मुताबिक, सर्च इंजन क्या होता है, पॉपुलर सर्च इंजन, सर्च फॉर कंटेंट, एक्सेसिंग वेब ब्राउजर तक कैसे एक्सेस करेंगे, यूजिंग फेवराइट फोल्डर क्या होता है, डाउनलोडिंग वेब पेज, प्रिंटिंग वेब पेज। जो छठा यूनिट है ट्रिपल सी का ये है कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन के बारे में है। इसमें जैसे कि बेसिक आप ईमेल क्या होता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब क्या होता है, ईमेल एड्रेसिंग क्या होती है, कॉन्फिगरिंग ईमेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट को कैसे कॉन्फिगर करेंगे, ईमेल को कैसे यूज करेंगे, ओपनिंग ईमेल क्लाइंट, मेल बॉक्स, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स क्या होता है, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग अ न्यू ईमेल, रिप्लाइंग टू एन ईमेल मैसेज, फॉरवर्डिंग एन ईमेल मैसेज, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग ईमेल्स, एडवांस ईमेल फीचर्स, सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल, अपने ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट को कैसे सेंड करेंगे, एक्टिवेटिंग स्पेल चेकिंग मतलब स्पेलिंग चेक को कैसे जो है ईमेल में एक्टिवेट करेंगे, कैसे जो है इसको इनेबल करेंगे, ऑटोमेटिक ईमेल चेक को, यूजिंग एड्रेस बुक क्या होता है, सेंडिंग सॉफ्ट कॉपी एज अटैचमेंट, सपोज कीजिए कि अगर आपको अपना रिज्यूम जो है सॉफ्ट कॉपी कहीं भेजना है तो ईमेल के थ्रू कैसे भेजेंगे, हैंडलिंग स्पैम को जो वायरस होते हैं स्पैम उसको कैसे हैंडल करेंगे, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड कोलेबोरेशन क्या होता है, स्माइलीज का यूज कैसे करेंगे, इंटरनेट एटिक्वेट क्या होता है। जो सातवां यूनिट है वो है एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड है, यानी कि हम जो है इस सातवें चैप्टर में ट्रिपल सी में सीखेंगे कि कैसे जो है प्रेजेंटेशन जो है यानी कि जो PPT को कैसे जो है प्रिपेयर करते हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन है, पावर पॉइंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, यूजिंग पावर पॉइंट को कैसे यूज करते हैं, ओपनिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट को कैसे ओपन करते हैं, सेविंग या प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट को कैसे जो है सेव करते हैं, क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन जो है कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट, टेम्पलेट की सहायता से प्रेजेंटेशन जो है कैसे बनाते हैं, क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, बिना किसी टेम्पलेट के एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, इंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट उस प्रेजेंटेशन में कैसे जो है टेक्स्ट को एडिट करेंगे, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन, अपने प्रेजेंटेशन में जो है स्लाइड को कैसे इंसर्ट और डिलीट करेंगे,
प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड, स्लाइड्स को कैसे बनाएंगे, इंसर्टिंग वर्ड टेबल और एन एक्सेल वर्कशीट, स्लाइड में वर्ड टेबल जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेबल बनाते थे उस टेबल को कैसे इंसर्ट करेंगे और एक्सेल की वर्कशीट को इसमें कैसे जो है इंक्लूड करेंगे, एडिंग क्लिप आर्ट पिक्चर, क्लिप आर्ट का जो पिक्चर होता है कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्टिंग अदर ऑब्जेक्ट जैसे कि किसी दूसरे बाहर से किसी पिक्चर को कैसे जो है इसमें पावर पॉइंट में इंसर्ट करेंगे, रिसाइजिंग एंड स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी प्रेजेंटेशन को कैसे रिसाइज करेंगे, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक इनहेंसिंग टेक्स्ट प्रेजेंटेशन को कैसे इन्हेंस करेंगे, वर्किंग विथ कलर एंड लाइन स्टाइल और कलर के बीच कैसे काम करेंगे, एडिंग मूवी एंड साउंड, वीडियो और साउंड को कैसे जो है ऐड करेंगे, एडिंग हेडर्स एंड फुटर, हेडर और फुटर को कैसे यूज करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड, स्लाइड्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, वीविंग एंड प्रेजेंटेशन को कैसे देखेंगे, चूजिंग ए सेटअप फॉर प्रेजेंटेशन, प्रिंटिंग स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स, स्लाइड्स को कैसे प्रिंट करेंगे, स्लाइड शो को कैसे शो करेंगे, रनिंग इन स्लाइड शो, अपने स्लाइड को कैसे रन करेंगे, फाइनल ट्रांजिशन एंड स्लाइड टाइमिंग, स्लाइड की जो टाइमिंग कितनी होगी और किस मोड में वो ट्रांजिस्ट कैसे ओपन होगा, ऑटोमेटिंग स्लाइड शो, जो अंतिम यूनिट है यानी कि जो आठवां यूनिट है वो है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, व्हाई सेविंग आर नीडेड, बचत की आवश्यकता जो है क्यों है, इमरजेंसीज क्या होती हैं, फ्यूचर नीड्स क्या होता है, लार्ज एक्सपेंसेस क्या होते हैं मतलब महंगे खर्चे क्या होते हैं, ड्रॉबैक ऑफ कीपिंग कैश एट होम क्या होता है, तो ये जो है टोटल जो है 8 यूनिट है यानी कि 8 यूनिट है ट्रिपल सी में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम इससे रिलेटेड वीडियो जो है बनाते रहें आपके लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।